नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के कॉन्टेक्स्ट में हमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो ये सब तो पहले ही बता रखे हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। थर्ड है, 5 मार्क्स क्वेश्चन था, ठीक है, थर्ड है उसी में। कंसिडर अ फॉलोइंग डायग्राम इन विच एम इज अ मिरर। अब एम कौन सा मिरर है मालूम नहीं है, पी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्यू उसकी इमेज है और क्यू कैसी मैग्नीफाइड इमेज है। देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं और उसकी इमेज मैग्नीफाइड बन रही है, इस साइड बन रही है, मतलब वर्चुअल बन रही है। ये कौन सी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है ना, ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। ये डिवाइस कौन है, एम कौन है, एम कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर कैसा होता है ऐसा बताइए, ठीक है। सेलेक्ट द टाइप ऑफ मिरर एम एन एम एंड वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज क्यू। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है इमेज की, कि ये इमेज वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज है। तीनों बात बता दी, एक क्या तीन बता दिया, वर्चुअल है, काल्पनिक है, मैग्नीफाइड है, बड़ी इमेज बन रही है और मिरर के पीछे बन रही है ना, और सीधी बन रही है, इरेक्ट है, ठीक है। पोल क्या होता है, देखो किसी भी मिरर का पोल, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके सेंटर को क्या कहते हैं, पोल, ये पोल है। उसी तरह तुम्हारा, ठीक है, बाकी सब तो तुमको मालूम ही है, क्या बताऊँ, ये सब तो बता बता के। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता ही है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये पोल हो गया। इस दोनों के बीच के जो एक्सिस होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और इसके बीच के फोकस कहते हैं, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं और यहाँ से यहाँ के रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे प्लेन, कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम। बिना टच के कैसे तुम बताओगे कि ये कौन सा मिरर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसमें मिरर में अपना चेहरा को देख सकते हैं। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एज आवर फेस बट लेटरली इन्वर्टेड फॉर ऑल पोजिशन, मतलब दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा, तो ऐसा लेकिन साइज सेम है, तो ऐसे ऐसे मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं, देख करके समझ गए बिना कुछ किए, ठीक है। दूसरा है, अगर इमेज इरेक्ट बन रहा है और थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है, बट गेट इन्वर्टेड एज द फेस इज मूव्ड अवे, मतलब मिरर्स के सामने जब खड़े हैं तो बड़ी सी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो ऐसा कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर, है ना। तो ये कौन सा मिरर होगा, कनकेव। लेकिन वही मिरर्स अगर दूर चले जाएंगे तो हमारी इमेज उल्टी बनने लगेगी और सामने आ गए फोकस और पोल के बीच में आ जाएंगे तो सीधी बन जाएगी, बड़ी इनलार्ज बनेगी। तो ये कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसा मिरर होता है जो हमेशा छोटा साइज का इमेज बनाएगा, तो बिना हमने टच किए बस उसमें देख करके ही बता दिए, टच तो करना ही पड़ेगा, ऐसा बोला गया क्वेश्चन, बिना टच किए तो मिरर कैसे देखोगे, हाँ दूर में रखा होगा तो जाके देख लोगे। नेक्स्ट है 23, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट स्फेरिकल मिरर पे फॉल करती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से जाएगी ऐसे इस पर फॉल करेगी, तो ये रे मिरर पे क्या है, ये रे मिरर पे नॉर्मल है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब है तो क्या है, नॉर्मल है। टू कनकेव मिरर हैव सेम फोकल लेंथ बट द अपर्चर ऑफ वन इज लार्जर देन द अदर। अपर्चर का मतलब होता है ये साइज, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता था, ये यहाँ से यहाँ तक है तो अपर्चर बड़ा है, ठीक है, मिरर का। तो दो मिरर है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है लेकिन एक का अपर्चर ज़्यादा है दूसरे से, विच मिरर फॉर्म शार्पर इमेज। भले फोकल लेंथ सेम है लेकिन ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कौन करेगा, जिसके अपर्चर ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्फेरिकल मिरर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल है, उसी से रे जाएगी, तो ये लाइट वैसे ही जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच होती हुई, तो ये कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लेकिन ये खुद से रे इसके ऊपर से जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है।
अब है कि टू मिरर ऑफ सेम फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। द कनकेव मिरर विथ स्मॉलर अपर्चर फॉर्म अ शार्पर इमेज बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम स्पेरिकल एब्रिविएशन। ये स्पेरिकल एब्रिविएशन क्या होता है, ये तुम हायर सेक्शन में पढ़ोगे। जैसे तुम जानते हो कि अगर ऐसा मिरर है, ठीक है, यहाँ से रे जाएगी तो फोकस पे आएगी, यहाँ से रे गई वो भी फोकस पे आई, यहाँ से गई वो भी फोकस पे आई। मान लो यहाँ से अगर आएगी तो वो फोकस पे नहीं आएगी, कहीं और आएगी, तो ऐसे में तो दो फोकस हो गए। तो ऐसे एरर को स्पेरिकल एरर बोलते हैं। तो जितना छोटा रहेगा उतना लाइट कम आएगी, कम आएगी मतलब स्पेरिकल एरर कम नहीं होगा। बड़ी रहेगी तो क्या होगा, इतनी बड़ी है लाइट यहाँ से भी आई, ये यहाँ बनाई फोकस, लाइट यहाँ से भी आई, यहाँ बनाई फोकस, यहाँ से यहाँ बनाई फोकस। तो अपर्चर बड़ा हो जाने से क्या हो जा रहा है, स्पेरिकल एब्रिविएशन हो रहा है, दो जगह फोकस बन रही है, ठीक है, दो जगह फोकस बन रही है। तो ऐसे एरर, तो ज़्यादा अपर्चर बड़ा होगा तो स्पेरिकल एब्रिविएशन होगा, ठीक है। तो स्पेरिकल एब्रिविएशन होगा तो शार्प इमेज नहीं बनेगा, भले इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, लेकिन शार्प इमेज का मतलब होता है एकदम जैसे पॉइंट इमेज, जैसा एकदम ब्लर इमेज नहीं है, शार्प इमेज है, ठीक है। अगर दो दो जगह फोकस होगा तो ब्लर ही दिखेगा ना, दो जगह ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे दिखेगी, ब्लर दिखेगी। इसलिए जिसका अपर्चर छोटा है, छोटी साइज की मिरर है, तो वो शार्प इमेज देगा। नेक्स्ट है, अ कन्वेक्स मिरर इज हेल्ड इन वाटर। अब वही कोई कन्वेक्स मिरर को अगर हम पानी में इंसर्ट कर देंगे, पहले एयर में था फिर पानी में कर दिया, व्हाट चेंज यू विल ऑब्जर्व इन इट्स फोकल लेंथ। भाई मिरर का फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होता है, मीडियम उसके बाहर की मीडियम को कैसा भी चेंज कर दो, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते हैं, सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर, होलो स्पेयर का सेंट स्पेयर था ना, इसी को काट करके बनाया गया, आधा पार्ट करके, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस पता है, इंसिडेंट पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस, जिस जहाँ पर लाइट कन्वर्ज होती है ये पैरेलल जा रही है, जहाँ पर कन्वर्ज होगी उसको फोकस कहेंगे। वो फोकस का नाम एक नाम दे दिया, पैरेलल रेज से बन रही है ये फोकस, इसलिए नाम दे दिया गया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज आती है वो नॉर्मल होती है। अब लाइट इसी के ऊपर से जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम वी यूज टू रे विच आर सो चूजन दैट इट इज इजी टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। लिस्ट टू सच रे एंड सच पाथ ऑफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ईच केस ऑफ कनकेव मिरर। यूज दिस टू रे एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है। तो देखो, लिस्टिंग ऑफ एनी रे एंड स्टेटिंग देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, एनी टू आउट ऑफ फोर। मतलब देखो रूल क्या कहता है कनकेव मिरर का, कि पैरेलल जाएगा फोकस से पास, ठीक है, ये फोकस होता। अगर कोई रे प्रिंसिपल, ये है तुम्हारा कनकेव मिरर, अगर कोई रे फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल। और एक क्या रूल था कि पैरेलल जाएगी फोकस से, ये दूसरा है, ये पहला रूल मान लो कि पैरेलल जा रही है फोकस से पास। दूसरा रूल मान लो क्या है, ये फोकस से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी उसी से रिटर्न बैक हो जाएगी, ये तीसरा है। चौथा क्या है कि पोल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगी वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर उतनी ही बनेगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन है। तो चार में से चार जो रूल है रे डायग्राम बनाने के, उसमें से कोई भी दो दो ले लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो वही है लिखा, लिस्टिंग ऑफ एनी टू आउट ऑफ फोर रे एंड स्टेटिंग देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को, ये जैसे फोकस है, ये पोल है और ये फोकस, इसके बीच में रखेंगे कैसा इमेज बनेगा, थोड़ी देर पहले बता दिए थे कैसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन स्क्रीन। अगर नहीं भी लिखा रहता तो भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव लेते, ये बात याद रखना। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि इमेज वर्चुअल बन रहा है, लिखा हुआ कि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे कहाँ, मतलब क्या होता है वर्चुअल, मिरर से पहले क्या होता है रियल, या लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है मतलब रियल,
वर्चुअल कब होगा? जब तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, पहला कंडीशन। दूसरा डिमिनिश्ड इमेज होगा और सेम अपोजिट बैक बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे उस समय? वर्चुअल इमेज बन रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल ही दिया गया है कनकेव मिरर है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या लेना है? कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है। इमेज कहाँ बनेगी? ये स्क्रीन पे बनेगी, हवा में थोड़ी बनेगी। इसके लिए कुछ स्क्रीन लगाना पड़ेगा, तभी तो उस पर बनेगी ये इमेज। तो ऐसे इस साइड ले रहे हैं, स्क्रीन इस साइड लगाना पड़ेगा। लाइट इधर से जा रही थी, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वी क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर से पहले रखा गया है, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, स्क्रीन कितनी दूरी पर है? तो दो चीज़ गिवन है, एक मैग्निफिकेशन गिवन है और एक दिया गया है तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब स्क्रीन का यानी इमेज डिस्टेंस तुमको निकालना है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव ले लिए, 3 दिया था, 3 टाइम्स इनलार्ज था, मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? -3, क्योंकि स्क्रीन पे इमेज बन रही है। स्क्रीन पे जब भी इमेज बनेगी, है ना, जब भी स्क्रीन पे इमेज बनेगी तो वो मैग्निफिकेशन क्या होती है? रियल इमेज बनती है। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बने उसको रियल इमेज बोलते हैं। रियल के साथ क्या? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव, उल्टा। ठीक है, तो यू मालूम है, एम मालूम है, एम इज इक्वल टू -V/U होता है। मैग्निफिकेशन दिया गया है, माइनस साइन वैसे रखेंगे, वी मालूम नहीं है निकालना है, यू मालूम है 20, लेकिन साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, वी मिल गया -60। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर इस कंडीशन में बताया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसके इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। यही निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तुम्हारा। देखो ये चार पार्ट जो बताया गया कि कैसे रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये कनकेव मिरर है तुम्हारा, रे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी से रिटर्न बैक हो जाएगी, पोल पे जाएगी, जितना एंगल बनाएंगे उतना से रिटर्न बैक हो जाएगी। ठीक है, ये बताया जा रहा है इसमें कि ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट को कहीं, सॉरी, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, तो वो मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज देता है। वर्चुअल इमेज का मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड, नहीं, जिस जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है सीधा वैसे ही इमेज उसकी बनी है, उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल क्यों है? क्योंकि रियल इंटरसेक्शन तो होने से रहा, ये दोनों रे आपस में कभी मिलेगी ही नहीं, तो ये वर्चुअली मिलेगी, इसलिए इसका इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। और ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के बिहाइंड बनती है उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, सब 5 मार्क्स क्वेश्चन है। सपोज यू हैव 3 कनकेव मिरर, 3 कनकेव मिरर है ए बी एंड सी, और तीनों का अलग अलग फोकल लेंथ है। फॉर ईच कनकेव लेंस कनकेव मिरर यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर द 3 वैल्यूज ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस दिया गया बाई गिविंग रीजन एंसर द फॉलोइंग, आपको रीजन दे करके आंसर करना सारी क्वेश्चन का। तो कितने मिरर हैं यहाँ पर? 3, ए बी और सी, तीनों की फोकल लेंथ दी गई है, और उस तीनों मिरर से ऑब्जेक्ट पहले मिरर से 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, दूसरे मिरर से 20 और तीसरे मिरर से 30 पे रखा गया। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आइडेंटिफाई द मिरर विच विल फॉर्म एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। ठीक है, तो देखो फोकस यहाँ पर 10 है, यू भी कितना है? 10 है। फोकस 15 है, यू कितना है? 20 है ना। अब देखो यहाँ पर फोकस 20 है और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? 30 पे। ठीक है, तो मिरर ए जो है विल फॉर्म अ मैग्निफिकेशन -1 फॉर द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर सिंस यू टू इज 2f2। ठीक है, इसमें कुछ गलती है इस क्वेश्चन में, मैं बनाता हूँ उसको अच्छे से एक बार, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। देखो सपोज यू हैव 3 कनकेव मिरर, तुम्हारे पास 3 कनकेव मिरर है ना, 3 कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर ए, कनकेव मिरर बी, कनकेव मिरर सी। मैं शॉर्टकट में बनाऊंगा इसको। ठीक है, ये ए है,
पहला वाला ए, ये बी और ये सी, तीनों कनकेव मिरर है तुम्हारे पास, ठीक है। अब बोला जा रहा है फोकल लेंथ, इसका नाम ए बी सी। फोकल लेंथ ऑफ एफ ए कितना दिया गया है, 10, ये कितना है 15, और ये है 20 सेंटीमीटर। फॉर ईच ऑफ द कनकेव मिरर यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर द थ्री वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तीन लिया गया, इसके लिए पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 लिया गया, फिर 20 लिया गया, फिर 30 लिया गया, इसके लिए भी 10 लिया गया, 20 लिया गया, 30 लिया गया, इसके लिए भी 10, 20 और 30 डिस्टेंस लिया गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को रखा गया मिरर के पहले। तो इसमें से बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो आपको मैग्निफिकेशन जो देगा, है ना, फॉर द थ्री ऑब्जेक्ट जो है, आइडेंटिफाई द मिरर विच विल फॉर्म द इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन -1 मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ रखे हैं वहीं पर इमेज बने, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, तभी मैग्निफिकेशन 1 आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ अगर 10 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख देते हैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 30 और इसकी हो जाएगी 40, ठीक है। तो देखो कहीं पर लाई कर रहा है क्या, ये और ये मैच कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो फर्स्ट वाले में, है ना, सेकेंड रीडिंग मतलब 20 सेंटीमीटर पर अगर रखते हैं पहले वाले को, 20 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, मतलब मैग्निफिकेशन उसकी क्या आएगी, -1 आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ये, क्योंकि फोकल लेंथ इसका 10 है, तो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 20, और फोकल लेंथ इसका कितना है, फोकल लेंथ 20 है और 20 अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तो ऑब्जेक्ट को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे अगर, तो उसकी इमेज क्या बनती है, वहीं पर बनती है, और मैग्निफिकेशन क्या आता है, -1। सेकेंड वाले का कंडीशन में क्या होगा, थर्ड वाला, जैसे ऑब्जेक्ट को अगर 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे सेकेंड के लिए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 30, क्योंकि 30 पे ही बनेगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 हो रहा है, और थर्ड वाले का तो कोई उपाय ही नहीं है, थर्ड वाले का क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 है, तो यहाँ तो 10, 20, 30 है, तो ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को अभी अच्छे से बनाते हैं। फॉर द थ्री ऑब्जेक्ट डिस आइडेंटिफाई द मिरर या मिरर्स विच विल फॉर्म एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो दो मिरर है वो, मिरर ए एंड मिरर बी, ठीक है। दो मिरर कौन कौन से हैं, मिरर ए एंड मिरर बी, जो बनाएंगे मैग्निफिकेशन -1 जब जब उस मिरर से ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर पे रखा जाएगा और बी वाले मिरर को 30 सेंटीमीटर उसे दूर रखा जाएगा, तो इमेज उसकी मैग्निफिकेशन कितनी बनेगी, -1 बनेगी। आउट ऑफ द थ्री मिरर आइडेंटिफाई द मिरर विच वुड यू प्रिफर टू यूज़ फॉर सेविंग मिरर। तो सेविंग मिरर की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं, तो मिरर बी और सी कर सकते हैं, डिस्टेंस शुड बी लेस देन फोकल लेंथ और फॉर इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज फेस इज जनरली केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी और सी क्यों होगा, समझ लेते हैं इसको, क्योंकि 10, ऐसा थोड़ी कि मिरर के सामने ही हम बैठ जाते हैं एकदम टच होकर के, नहीं, कम से कम 10 सेंटीमीटर का दूरी होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ 10 तो होगा नहीं, 10 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो फोकल लेंथ 15 वाला चलेगा और 20 वाला चलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तुम्हारा फोकल लेंथ 15 है, मान लो तुम यहाँ 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 कहीं भी बैठ सकते हो, अब 10 ले लोगे मान लो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इतने सामने मिरर का थोड़ी बैठ के सेविंग करते हैं, ठीक है। तो वो कितना लिखा गया है अप्रोक्सीमेटली, इसमें आंसर है 15 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द मिरर बी ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इसका रे डायग्राम तो बना सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 एंड 30 पे, ठीक है। ये देखो ऐसे रे डायग्राम बनाया गया, ये मिरर था, ठीक है। फॉर द मिरर बी ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 रखे, 10 रखे या 20 रखे, जैसे ये तुम्हारा मिरर है, यहाँ पर मिरर था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखा गया है 10, और सेकेंड वाले का फोकल लेंथ कितना था, सेकेंड वाले का फोकल लेंथ देखो कितना था, फोकल लेंथ 30 था बी का, है ना, 30 है, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये रे डायग्राम है, ये 30 था, ये 10 होगा, इसके बीच में अगर मिरर के बीच में इसको रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इसका यहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
और दूसरा है कंडीशन उससे ज़्यादा था, तो उसका भी इमेज तुम बना ही सकते हो। इमेज बनाने के लिए कंडीशन क्या है, फोक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये यहाँ से आर्क रख करके इस तरह से आर्क बनाएंगे, इसको सेंटर बना देंगे, इसको सेंटर, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा इन दोनों के बीच का उसको फोकस कहेंगे, यहाँ से यहाँ का फोकल लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, रे है ऐसा पैरेलल जाएगा, एरो ऐसा ज़रूर बनाना है, पैरेलल जाएगा फोकस से पास होगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, उसी से रिट्रेस बैक हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इन्वर्टेड इमेज बना, यहाँ पर इमेज बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इरेक्ट एंड वर्चुअल, स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। तो देखो पहले ही बता रखे कि वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज कौन सा मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। ड्रॉ द रे डायग्राम बता चुके, वन यूज कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, बाइक में यूज करते हैं रियर व्यू, ये भी बता चुके हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये भी बता दिए है। फाइंड द नेचर एंड फोकल एंड द स्पेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 है प्लस 24 है, मतलब रेडियस ऑफ फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, और ये पॉजिटिव है तो कन्वेक्स मिरर होगा ये स्पेरिकल मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का ही फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। कनकेव का क्या होता है, फोकल लेंथ इस साइड बनता है, इस साइड बनता है, मतलब कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर तो प्लस दिया गया, इसलिए नेचर कैसा होगा, मिरर का नेचर होगा कॉन्वेक्स मिरर होगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वेक्स मिरर जो होता है, देखो याद रखना हमेशा क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, देखो ऐसे करके बनाता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, रे इधर से पैरेलल जा रही है, फोकस को मिलेगी नहीं, ये वर्चुअली इस तरह से जाएगी, ये भी वर्चुअली इस तरह से जाएगी, और ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ये रियल इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, ये इस तरह से रिटर्न हो गए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेते तो ये नॉर्मल होती, ये आई होती और ये आर होता, ये आई होता और ये क्या होता, आर होता। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का जहाँ यूज़ करते हैं रियर व्यू के लिए यूज़ करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है, फिफ्थ नंबर बोला जा रहा है, इट इज़ डिज़ायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो देखो फोकल लेंथ दिया गया है इसका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तुम्हारा है कनकेव मिरर, तो तुम जानते हो उसका रेंज कितना होगा, मतलब 12 से कम होना चाहिए, तभी तो उसका वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। यहाँ 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 कहीं भी रख दो, एकदम नज़दीक मत रखना, थोड़ा सा दूर तो होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द डिज़ायर, व्हाट शुड इज़ द रेंज, तो रेंज क्या होगा तुम्हारा, 0 से 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 12, इसके बीच में कहीं भी रेंज होगा। दूसरा है, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतनी छोटी है, इमेज तो बड़ी बनेगी क्योंकि वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम ऐसे बना देना, कोई भी पर्टिकुलर स्केल पे बना सकते हो, बोला नहीं गया तो, ये वर्चुअल है, ये दोनों इंटरसेक्ट तो कभी करेगा नहीं, ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन आगे जा करके ये वर्चुअली इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा। वेयर विल द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज कहाँ बनेगा अगर ऑब्जेक्ट को हम 24 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तो 24 सेंटीमीटर यहाँ होगा, ये 12 है तो ये क्या होगा 24, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज भी यही बनेगा, मतलब इमेज भी कहाँ बनेगा 24 सेंटीमीटर पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज वही बनती है। मैग्नीफिकेशन क्या आता है इसका, याद रखना -1, मैग्नीफिकेशन क्या आता है -1, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V/U एंड H2/H1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो द पोजिशन ऑफ पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द अबव रे डायग्राम, तो रे डायग्राम में बोला गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तुमको पता है ये है, ये फोकस है, पैरेलल जाकर के फोकस से ही पास होती है, ये पोल है, अच्छे स्केल से इसको बनाना है ना, प्रॉपर डायग्राम बनाना। ये देखो ये 24 सेंटीमीटर वाला डायग्राम है, इससे बनेगा, ये 12 था ये 24 है, प्रॉपर स्केल लेकर के बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज फोकस एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द वाइट स्क्रीन ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर है सिचुएटेड गिवन बिलो, लेंथ ऑफ द फ्लेम इतना है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इतना है, डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है इमेज ऑफ द कैंडल को,
मतलब कहीं पर ऐसे कैंडल जल रही है, उसको स्टूडेंट फोकस कर रहा है, ये इस तरह से फोकस कर रहा है, स्क्रीन पे ही फोकस करेगा, हवा में तो नहीं करेगा, ठीक है। तो कैंडल फ्लेम को फोकस कर रहा है वो। इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम विद द वाइट स्क्रीन, वाइट स्क्रीन यूजिंग कनकेव मिरर, द सिचुएशन इज गिवन बिलो, लेंथ ऑफ द फ्लेम इज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर दी गई है, कनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन से नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर, मतलब तुम्हारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना वो दिया गया है ना, डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर, क्योंकि फ्लेम को रखा गया है ऑब्जेक्ट से, इमेज थोड़ी बोल रहा है कि इमेज यहाँ पर बन रहा है, नहीं, डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम, फ्लेम ये है और ये फ्लेम थोड़ी है, फ्लेम तो ये है, ये तो फ्लेम की इमेज है ना, ये नहीं बोला गया है। इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर देन कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर, ये आपको क्या मालूम चल गया, इससे मालूम चल गया, यू मालूम चल गया, तो एच मालूम है, एफ मालूम है, यू मालूम है, वी फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगा देंगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई वी एफ इज इक्वल टू वन बाई वी, मिरर फॉर्मूला वन बाई वी प्लस वन बाई यू, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सब कुछ दिया गया है, आंसर आ जाएगा। मैग्नीफाई, हाइट ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू एच टू बाई हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप हाइट ऑफ इमेज एच टू निकाल सकते हो, क्योंकि ये गिवेन है, ये गिवेन है, ये गिवेन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, अगर देखो इसके इसके बीच में रखते हैं ना तो बार बार बनाया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आया है, ये वर्चुअल इमेज बनता है, इससे रे गई जो एंगल पे यहाँ थी उतने एंगल यहाँ बनी, ये आर लिख रहा है, आर नहीं होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये रे तो जा रही है ना और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी तो उसी से रिटर्न बैक हो जाएगी, तो ये और ये तो आपस में कभी इंटरसेक्ट करने से रहे, तो ये वर्चुअली यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे, देखो यहाँ पर, तो इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा, उसको डॉटेड से बनाना पड़ता है। देखो स्टूडेंट है, 2015 में आया एक स्टूडेंट है जो क्या करना चाहता है, प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी, तो कैंडल फ्लेम को वॉल पे ये करना चाहता है बाई बाई यूजिंग ए मिरर, विच टाइप ऑफ मिरर्स, कौन सा मिरर यूज़ करेगा बताओ, वो प्रोजेक्ट करना चाहता है कैंडल फ्लेम को ऑन द वॉल ऑफ द स्कूल पे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स तो वर्चुअल बनाता है, अब ये वॉल पे जो इमेज बनेगी वो कनकेव मिरर ही बना सकता है, कॉन्वेक्स तो कभी नहीं बना सकता, इसलिए विच टाइप ऑफ मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर रियल इमेज बनाती है और रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनती है। व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर शुड बी ही प्लेस द कैंडल टू गेट द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द इमेज ऑन द वॉल, फोकल लेंथ के टर्म में बताना है कि कितना दूर में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिससे उसका मैग्नीफाइड इमेज वॉल पे मिले। रे डायग्राम बनाना है, कैन ही यूज दिस मिरर टू प्रोजेक्ट अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल, स्टेट यस इफ यू हैव, है ना, अगर सही है तो तुमको बताना है। देखो सबसे पहली बात, वो कौन सा मिरर यूज़ करेगा बंदा, वो यूज़ करेगा कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर रियल इमेज बनाती है। ही शुड प्लेस द कैंडल फ्लेम बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देखो ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर, सॉरी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ध्यान से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में अगर कहीं भी रखते हैं तो उसको जो इमेज मिलेगा, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, लेकिन ऑन द वॉल बोला है, मतलब वॉल क्या है, एक स्क्रीन है, ठीक है, तो स्क्रीन पे इमेज के लिए रियल इंटरसेक्शन चाहिए, तो आपने यहाँ और यहाँ अगर इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे, कहाँ रखा, देखो फोकस, अगर कनकेव मिरर है, फोकस और कनकेव सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज रियल बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, स्क्रीन पे बनेगी, देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ ही गया होगा, ही शुड प्लेस द कैंडल बिटवीन कैंडल फ्लेम बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर टू गेट द मैग्नीफाइड इमेज ऑन द वॉल, द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इज गिवन बिलो, ऐसा रे डायग्राम बनेगा यहाँ पर, देखो
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसको डिमिनिश्ड इमेज मिल सकता है। यस ही विल गेट द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन इन्फिनिटी। अगर कैंडल को काफ़ी दूर रखोगे उसके फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में, है ना, कैंडल काफ़ी दूर है तो उससे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यस इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ए कैंडल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि रियल इमेज कौन बनाता है, कनकेव मिरर। दूसरा क्या था आंसर, ही शुड प्लेस द कैंडल बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। देखो रियल इमेज और स्क्रीन पे बनेगी। ठीक है चलो, और अगर ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर रखे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उस कैंडल का इमेज फोकस पे बनेगा इन्फिनिटी रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4.5 सेंटीमीटर का नीडल है जिसको 12 सेंटीमीटर अवे रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से जिसकी फोकल लेंथ इतनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवेन है, ठीक है, प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे, मतलब यू दिया गया है, यू तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, -12 लेना पड़ेगा, फोकल लेंथ तो प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस साइड आता है फोकल लेंथ, इस साइड लेते हैं पॉजिटिव और इस साइड क्या लेता है, नेगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन से। तो यू मालूम, एफ मालूम है, मेरे फॉर्मूला यूज़ करके वी निकाल देंगे। ठीक है, वी निकल गया, मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U। अब देखो जब तुम फॉर्मूला में यूज़ करोगे तो साइन कन्वेंशन यूज़ करना, वी भी नेगेटिव आया है, अच्छा वी नेगेटिव आए के पॉजिटिव आए निकालना पड़ेगा, कॉन्वेक्स का वी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बोला ना तो इमेज किधर बनती है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बनती है इस साइड, इमेज बनती है सारी, और इस साइड क्या होता है, वी पॉजिटिव होता है, लाइट के डायरेक्शन में ही थी इमेज, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वी इसके लिए पॉजिटिव निकला। देखो यहाँ पर अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकालना, -V/U होता है, यू का नेगेटिव टर्म कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक है, तो पहले से ये माइनस था जिसके कारण यह माइनस लिखे, यू नेगेटिव आया, वी और यू को पुट किया तो इतना निकला, मैग्नीफिकेशन 1 से कम है इसलिए डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और अगर मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, V/U लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर तुमको ये मैग्नीफिकेशन मालूम है, दूसरा फॉर्मूला होता है H2/H1, H2 को कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, जिससे मल्टीप्लाई कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ये तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। चलो, कनकेव मिरर का सोलर फर्नेस में भी यूज़ करते हैं, याद रखना, दे कॉन्सेंट्रेट द सोलर एनर्जी, ऐसा सोलर एनर्जी इस पर मिलती है, है ना, इन द फोकल प्लेन एंड हेल्प इन टेनिंग हाई टेम्परेचर। ये सारी कहाँ पर, ये इस प्लेन पे लाई करेगी, फोकल प्लेन पे, ये तुम्हारा सोलर फर्नेस का प्लेन है। व्हेन हाफ पार्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड, अगर कन्वेक्स लेंस का हाफ पार्ट को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हाफ पार्ट को अगर कवर कर दोगे तो जितनी बड़े ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें थोड़ी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इमेज की, रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज रेज ओनली फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोर्शन ऑफ द लेंस आर रिफ्रैक्टेड एंड फ्रॉम द इमेज। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे है, रे इससे जाती थी, रे इससे इधर से जाती थी, रे इधर से तो जाती थी, ऐसे थोड़ी है, हम तो बनाते थे सिर्फ दो लेकर के, लेकिन अगर ये पेंटिंग कर देंगे तो इधर वाली रे रिस्ट्रिक्ट कर जाएगी, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इमेज तो बनेगी लेकिन थोड़ा फेंट बनेगी, डार्क नहीं बनेगी, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं। एक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है, फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होती है। वेयर द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस इज, मैग्नीफिकेशन दी गई है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी यू तुमको निकालना है ऑफ 1/3। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 60 सेंटीमीटर पे, यू कितना हो गया -60 फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, वेयर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस 1/2, मैग्नीफिकेशन मालूम है। अब वेयर शुड द ऑब्जेक्ट प्लेस, U2 निकालना है जब मैग्नीफिकेशन इतना हो जाए, ठीक है, तो सिंपल है, देखो U पहले दिया गया था क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर, तो U क्या लोगे, -60, तो यहाँ पर -60 ले लिया गया। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन प्लस क्यों ले रहे हो, क्योंकि याद रखना कॉन्वेक्स का मैग्नीफिकेशन हमेशा प्लस होता है, कॉन्वेक्स मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो m इज इक्वल टू +1/2 हो गया। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U, ठीक है, तो ये 1/2 पहले से मालूम है, -V/U लिखेंगे, u मालूम है -60 है और ये पहले से माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लिख दिए, सॉल्व किए तो वी कितना आ गया, कॉन्वेक्स मिरर का वी आता है पॉजिटिव आ गया। अब मिरर फॉर्मूला यूज़ करके फोकल लेंथ निकाल देंगे क्योंकि दो चीज़ मालूम है।
और इसके कारण अब बोला जा रहा है कि मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जाए। तो मैग्नीफिकेशन बढ़े चाहे कम हो, कभी भी मिरर का मैग्नीफिकेशन चेंज होने से क्या होता है, उस मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं करती है। तो इसके लिए फोकल लेंथ जो 60 निकला है, इसके लिए भी सेम, इस मैग्नीफिकेशन के लिए भी हम फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मैग्नीफिकेशन 1/3 है, मतलब 1/3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, मीन्स ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू माइनस यू इज इक्वल टू 3 भी आएगा। तो u कितना आ गया, -3 भी। तो यहाँ पर पुट क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 भी, ये पहले से -3 भी लिखेंगे यहाँ पर, ये पहले से ही v है, सॉल्व करेंगे v निकल जाएगा, u निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी स्मॉल इलेक्ट्रिक लैंप इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस के फोकस में रखा है, नेम द नेचर ऑफ द बीम ऑफ द लाइट प्रोड्यूस बाय द लेंस थ्रू द रे। देखो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है, लेकिन अगर रे यहाँ रखे तो रे इधर से जाएगी, लाइट की सोर्स यहाँ रखे थे तो रे ऐसे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। वही बनाया गया है कि ये लेंस था, इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखे है, और जो लाइट सोर्स है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट करेंगे बाद में क्लास।